शराब पार्टी करने बुलाया और कर दी बेरहमी से मारपीट, ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत, कार्यवाही की मांग। खबर एसपी ऑफिस से है, जहां महिला ने शिकायत करते हुए बताया कि मेरे पति धर्मेंद्र परिहार घर पर थे, तभी बंटी परिहार निवासी विजरान तहसील बदरवास ने फोन कर शराब पार्टी करने के लिए बुलाया। इसके बाद मेरे पति केस के अन्य साथी बंटी परिहार, राजू परिहार व अन्य दो लोग निवासी विजरान तहसील बदरवास द्वारा शराब पिलाकर योजनाबद्ध तरीके से उसकी बेरहमी पूर्वक मारपीट कर उनकी हत्या कर दी। उसी एक्सीडेंट का केस दर्शाकर उसे बदरवास छोड़कर भाग गए एवं आज दिनांक तक आरोपी गण के विरुद्ध हत्या का प्रकरण कायम नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार कन्या कुमारी पत्नी स्वर्गीय धर्मेंद्र परिहार निवासी ग्राम चितारा तहसील बदरवास ने बताया कि घटना दिनांक 27 अप्रैल को पति धर्मेंद्र परिहार घर पर थे, उनके फोन पर बंटी परिहार निवासी विजरान तहसील बदरवास ने फोन कर उद्धार 30,000 रुपए की मांग की। जब उन्होंने रुपए देने से मना किया तो उक्त बंटी व उसके साथी राजू परिहार व अन्य दो लोग निवासी विजरान तहसील बदरवास ने शराब पार्टी करने के लिए बुलाया। 27 अप्रैल को रात्रि 8:30 बजे के मेरे देवर अक्षय परिहार के मोबाइल पर फोन कर पति ने बताया कि भाई मुझे बचा लो, यह कि इसके बाद बंटी परिहार का पुनः फोन मेरे देवर अक्षय के मोबाइल पर आया और बताया कि धर्मेंद्र का एक्सीडेंट हो गया है, आप बदरवास अस्पताल आ जाओ। इसके बाद मैं अपने देवर को लेकर अस्पताल पहुंची तो पति घायल अवस्था में थे। इसके बाद जिला चिकित्सालय शिवपुरी लेकर आए और यहां पर 3 दिन भर्ती रहे। इसके बाद 29 अप्रैल को ग्वालियर लेकर चले गए। ग्वालियर में 13 मई को पति के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। महिला ने एसपी से कार्यवाही की मांग की है। सवाल का उत्तर देना है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो आप? चितारा। जो खत्म हुआ है लड़का वो कौन लगता है आपका? ये बच्चा है। क्या नाम है उसका? शादीशुदा है? शादी दो बच्चे। क्या नाम है पत्नी का? पत्नी नाम कन्या कुमारी। क्या हुआ था आपके बेटे को? उसको जी होता, हम घर पर थे, 5 बजे घर से 6 बजे घर से आया था, बंटी फोन लगाया, 35,000 रुपया कहीं ले आइयो, कहीं धर्मेंद्र परिहार गई, अपन ने पार्टी बनाएंगे गई। किसने मंगवाई थी? बंटी परिहार ने। और कौन था साथ में? राजा। फिर लड़का 8 बजे फोन आया तो छोटू मोड़ा हूँ तो वो मेरे भैया उन्होंने बचा ले जा गई। उसके बाद में कटा तो बंटी को फोन आ गया, हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में हम 5 बजे पहुँच गए, उसको हमने साफ दिखाया, हमने हम उसको बचाएँ, फिर अब थाने में जाएँ, हम रिपोर्ट ले लिए, पटा कर सीख लिया है उसके लिए। थाने में किस पोजीशन, वो अस्पताल में किस पोजीशन में मिला था आपका बेटा? वो भूलबंद था उसका, पहुँच गया। तो आपको क्या लगा उसको देखकर? एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट का बात मांडे मांडल लगी थी उसके, एक्सीडेंट का तुमने गाड़ी फूटी नहीं है उसका? गाड़ी फूटी नहीं, हमने बात कही गाड़ी फूटी नहीं, उसका एक्सीडेंट घर पाया पाए। तो क्या लगा था आपको? क्या उस मुँह कुछ घबराहट में कुछ मुँह कुछ इंतहान में मारा लगा था हमको, था मारा उसको, बाद में पता लग रहा मुझे मारा है इसके लिए। तो थाने में शिकायत की थी आपने इसकी? थाने में 3 बार कहीं पीएम रिपोर्ट आई, जब रिपोर्ट लगी तुम्हारी मतलब रिपोर्ट नहीं लिखी है। क्या चाहते हो? ये चाहते इसका निकाल निकाल हुई चाहिए, इंसाफ मिले हमको, इंसाफ मिल जाए। हमारा बच्चा तो मरी गया। उम्र कितनी थी बेटे की? 24 साल। तो पीएम रिपोर्ट आ गई? नहीं आई, नहीं बता नहीं रहे, थाने वाले रखे हैं। वाले बता नहीं रहे ना, तो पैसा क्या है? तो खत्म आपके बेटे को खत्म हुए कितना टाइम हो गया? 18 दिन हो गए जी, वो है 1 महीना, 1 महीना 3-4 दिन हो गया। जब मतलब अभी तक रिपोर्ट नहीं आई? अभी आज एसपी साहब से मिले, क्या बोले एसपी साहब? एसपी साहब सामने नहीं गया, एसपी साहब के पास। कहाँ से आई हो आप? क्या समस्या लेके आई हो यहाँ एसपी ऑफिस पे? तो हमारे पति के ऊपर घर से बुलवाया है, 30,000 रुपए के लहंगा है, वहाँ बंजन ने पार्टी करी है, पार्टी करने के बाद खापी के जिन ने मारापीट करी है, मारापीट करने के बाद अस्पताल में लगाया, अस्पताल में जब उसमें आया पट्टी करने के बाद शुक्रबिंद ने फोन लगाया देवारी का, तो भैया मुझे बचा ले भैया ने, फिर बंटी ने फोन लगाया बाद में, एक्सीडेंट हो गया। बंटी कौन लगता है रिश्ते में? रिश्ते में जी आज लगते हैं नंदे को हमारे। अच्छा, किसने मारपीट की है? 3-4 कुल्हाड़ी लगी है। नहीं, किसने मारपीट किसने की थी? बंटी ने। तो वो तुम्हारे जीजा जी लगते हैं, उन्हीं ने मारपीट की है? नहीं, राजा है, संग राजा है, राजू है राजा। और किसने की है? कितने लोग थे वो जिन्होंने? दो आदमी बता रहे हैं। दो लोग थे, क्या क्या नाम है उनके? एक बंटी का, एक राजा है। अच्छा, इन लोगों ने आपके पति की हत्या की है? तो कितने दिन बाद खत्म हुए थे अस्पताल में आपके पति? 18 दिन बाद। कहाँ पे खत्म हुए थे? ग्वालियर। तो इस दौरान आपने रिपोर्ट नहीं की थी? नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है।
तो पीएम रिपोर्ट आई थी? अभी नहीं आई। क्यों नहीं आई पीएम? कौन से गांव की हो आप? हम चितारा। कौन सा थाना लगता है? बदरवा। अभी एसपी साहब के पास आई थी तो क्या आश्वासन दिया आपको, क्या कहा आपसे? आप जो कहिएगा हम देख लाएंगे। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? एक मेरा लड़का, एक मेरी लड़की।